अल्मोड़ा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आज सुबह एक बड़ा हादसा होने से टल गया है। जहां अल्मोड़ा पिथौरागढ़ हाईवे में पनुवा नौलाक से आगे एक रोडवेज बस खाई में गिरने से बाल बाल बच गई। बता दें, रोडवेज बस सड़क से उतरकर गार्डर से टकरा गई। खाई और बस के बीच करीब एक फीट का फासला रहा था, जिससे एक बड़ा हादसा होने से टल गया। इस हादसे के दौरान बस में सवार यात्रियों की जान सांसत में आ गई। आपको बता दें, आज सुबह करीब 5:30 बजे अल्मोड़ा पिथौरागढ़ हाईवे में पनुवा नौला और आरतौला के बीच मिर्तौला के पास रोडवेज बस की स्टीयरिंग रॉड टूट गई, जिससे बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे लगे गार्डर से टकरा गई, जिसके बाद बस में सवार यात्रियों की चीख पुकार निकल पड़ी। वहीं आपको बता दें, हादसे के दौरान बस में चालक और परिचालक समेत कुल 18 यात्री सवार थे। साथ ही ये भी बता दें कि घटनास्थल के पास गहरी खाई है, अगर गार्डर नहीं होता तो बड़ा हादसा हो सकता था। गनीमत रही कि बस गार्डर से टकराकर सड़क किनारे ही रुक गई। वहीं इस हादसे में ARM पिथौरागढ़ रवि शेखर कापड़ी ने बताया कि रोडवेज बस दिल्ली से पिथौरागढ़ को आ रही थी, जिसमें कुल 18 लोग सवार थे। उन्होंने बताया कि फोरमैन और मैकेनिक को मौके पर भेज दिया है, साथ ही यात्रियों के लिए दूसरी बस भेजी जा रही है। गौरतलब है कि बीते दिनों बाराकोट के पास एक रोडवेज बस का ब्रेक फेल हो गया था। कई यात्री बार बार रोडवेज बसों में आ रही तकनीकी खराबी से अब विभाग पर सवाल खड़े होने लगे हैं। यात्रियों की जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है। लगातार हो रही हादसों के बाद सरकार भी इस ओर ध्यान नहीं दे रही है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि सरकार इस मामले में कितनी गंभीर है।